स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम हाउस प्लान पे। आज मैं आप लोगों के लिए एक तिरछे प्लाट पर घर का नक्शा लेके आया हूँ, जिसकी टोटल एरिया 732 स्क्वायर फीट है और इसमें मैंने 2 BHK का हाउस प्लान डिजाइन किया है। तो आइए इस प्लान को समझते हैं। तो 20 फीट आपका फ्रंट ऐसे है और 28 फीट इस साइड में है और 37 फीट आपको इधर मिलेगा, 37 फीट और बैक साइड में आपको 25 फीट मिल रहा है। तो आइए इस प्लान को समझते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या फैसिलिटी है। तो यहाँ से इसका मेन डोर शुरू होता है। मेन डोर से एंट्री करेंगे तो आपको यहाँ पे बेडरूम मिल जाएगा, जिसको आप गेस्ट रूम भी बना सकते हैं। और अंदर जाने के लिए एक दरवाज़ा यहाँ पे लगाया गया है। और जैसे ही अंदर जाएंगे आपको यहाँ से एक बड़ा सा लॉबी मिल जाएगा और यहाँ पर एक किचन बनाया गया है और बीच में बेडरूम और इधर कामन टॉयलेट एंड बाथ बनाया गया है। और लॉबी में जो है कामन टॉयलेट एंड बाथ दिया गया है, यानी 2 टॉयलेट है इसमें। और इधर जो आपको स्टेयर मिल रहा है, ऐसे जो है तिरछे प्लाट पर जो है ऐसे स्टेयर मिल जाएगा आपको, ऐसे तिरछे ही। तो ये स्टेयर का मतलब कमरा हो गया। तो आइए इसका हम साइज़ देखते हैं। तो सबसे पहले मेन डोर का साइज़ देखेंगे तो ये रहेगा 4 फीट चौड़ा रहेगा आपका मेन डोर, यहाँ से यहाँ तक ये डबल पल्ले का मेन डोर रहेगा। और यहाँ पर स्टेयर बनाया गया है क्योंकि मकान जो है कुछ हाइट पर है, इसलिए यहाँ पर स्टेयर ऐसे बनाया गया है। और ये जो है येलो कलर वाला विंडो है सारे। और इस बेडरूम का जो साइज है ये रहेगा आपका 12 फीट ऐसे मिल जाएगा चौड़ाई में और 9 फीट 8 इंची आपको गहराई में मिलेगा। इसमें जो है मैंने आउटर वाल को 9 इंची का रखा है और इनर वाल जितने भी हैं ये 5 इंच के हैं, ये 5 इंच का रहेगा इनर वाल और आउटर वाल 9 इंच का रहेगा, उस हिसाब से मैंने इसका साइज लिखा है। तो ये 9 फीट 8 इंची है। और इस वाले डोर का साइज रहेगा 3 फीट 6 इंची चौड़ा रहेगा ये और 7 फीट हाइट रहेगी इसकी। अब हम लॉबी में आते हैं तो लॉबी जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक जो रहेगा ये 16 फीट मिल रहा है, इधर 16 फीट मिलेगा और इधर जो आपको मिल रहा है 7 फीट, 7 बाई 16 का हमारा लॉबी हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने स्टेयर वाले हाल में। तो स्टेयर हाल का जो साइज रहेगा ये रहेगा 6 फीट आपको ऐसे मिलेगा यहाँ पर, इधर आपको अधिक मिल जाएगा यहाँ पे 7 फीट मिल जाएगा, इधर आपको 7 से 7.5 फीट 7 इंची मिल जाएगा, 7 फीट 7 इंची है यहाँ पे। और ये जो गहराई रहेगी ये मिलेगी आपको 15 फीट मिल रहा है यहाँ से यहाँ तक गहराई, अंदर 15 फीट आपको मिल जाएगा। और ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक जो मैंने रखा है, पूरा प्लाट यहाँ तक है ना, तो ये 17 फीट है, 17 फीट का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक 17 फीट है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस कामन टॉयलेट एंड बाथ का साइज। तो ये रहेगा आपका 4 फीट चौड़ा रहेगा ऐसे और 7 फीट आपको गहराई में मिल जाएगा। और इसके डोर का जो साइज है ये रहेगा 2 फीट 6 इंची। आप जो है इधर से 16 फीट नाप के इधर छोड़ दीजिएगा, जितना बचेगा वो कामन टॉयलेट एंड बाथ में आ जाएगा। इधर से हमको चलना है लेके एक तरफ से। तो अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं और किचन में आते हैं। तो किचन का जो डोर का साइज है 3 फीट रहेगा और किचन का जो साइज़ हमने रखा है 9 फीट ऐसे रखा है, 9 बाई 6 का हमने किचन बनाया है, 6 फीट ऐसे रहेगा। ये किचन का चूल्हा है, ये बेसिन है, ये बेसिन हो जाएगा किचन का। तो अब हम आते हैं इस बेडरूम में। तो जिसके डोर का साइज 3 फीट 6 इंची रहेगा और इस बेडरूम का जो साइज हमने रखा है ये रहेगा 12 फीट 8 इंची चौड़ा ऐसे रहेगा और 9 फीट गहराई में मिल जाएगा, ऐसे 9 फीट गहरा रहेगा। ठीक वैसे ही जो है इसमें 4 फीट चौड़ा हमारा कॉमन टॉयलेट एंड बाथ मिल जाएगा। यहाँ पर 4 फीट है, इधर आपको ज़्यादा मिल जाएगा। तो हमको क्या करना है कि इधर से नापते हुए आना है और इधर जितना बचेगा वो छोड़ देना है कॉमन टॉयलेट एंड बाथ में। तो इसके बाद हमें गहराई जो है 9 फीट मिल रही है इसमें और इसके डोर का साइज 2 फीट 6 इंची है। तो ये हो गया इसका साइज। अब हम देखेंगे इसमें कितने कॉलम हैं। तो कॉलम पोजीशन सहित कॉलम गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 कॉलम में ये प्लान बन जाएगा, 12 कॉलम। और जो खाने वाला 8 लाख लागत है, तो कैसे कमेंट में बताइए। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।